हेलो ट्रेडर्स, मैं विद्या सागर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है एंड हमें कहां पर बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। जैसे गैस, आज हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को यहां पे 33,100 का सीई बाय करने के लिए दिया था, जो कि 200 के लेवल पर, एंड आप देखें तो यहां से हमें 600 प्लस तक के टारगेट देखने को मिले हैं। यहां पे हमें वन डे में ही 300% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर गैस आप भी सीरियसली ही अपने लॉसेज को रिकवर करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको अभी डिस्प्ले पर एक मोबाइल नंबर शो किया जा रहा है, आप उस मोबाइल नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जैसे ही गाइस, ये हमारा प्रोफेशनल चैनल है तो आप जाके इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कॉल्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आज के दिन हमने अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी 33,100 का सीई आपको बाय करने के लिए दिया था, जो कि 201 के लेवल पर, एंड आप देखें तो यहां से हमें 600 तक के हाइएस्ट टारगेट देखने को मिले। तो अगर आप गाइस हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होते तो आपको इजीली अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए होते। अगर आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते तो आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप जाके वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में हमें किस तरह के सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। अगर गाइस हम यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में हमें 450 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। हम वहीं पे नैसडेक की बात करते हैं तो नैसडेक में भी हमें लगभग 200 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अगर हम ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अभी हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है हमारे इंडियन मार्केट के लिए भी। अगर गाइस आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए होंगे। क्यों, मैं आपको यहाँ पे रीजन बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये चीज आपको अपनी कई सारी वीडियो में भी बता रखा है। तो आप अगर देखें तो मार्केट यहाँ पे दो दिन से कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेवल कर रहा था। तो इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, तो मैंने आपको बताया है कि इस रेंज का जो रेंज होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये अगर 500 पॉइंट की रेंज है, तो 500 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें जब भी वही रेंज का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें 500 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अभी हम एग्जैक्टली देखते हैं यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला है। अगर गाइस हम इस रेंज को मेजर करें तो ये 550 पॉइंट की रेंज बनी थी, एंड यहां से हमारा जो टारगेट था वो 1:1 का एटलीस्ट अपसाइड की तरफ होता है। तो आप अगर देखें तो यहां पे मार्केट ने इजीली आपको 550 पॉइंट का इजीली टारगेट, आपको 1:1 का टारगेट दे दिया था। जैसे कि मैं आपको अगर गाइस प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था, जब हम एक्सपायरी की बात कर रहे थे तो एक्सपायरी मोमेंटम में भी हमें यही सिनेरियो देखने को मिला था। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे डेटा एनालाइज करके बता देता हूं। देखिए गाइस, यहां पे अगर हमने इस टॉपिक को कवर अप हमने किया था कि मार्केट तीन दिन से एक रेंज में है, तो इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट मार्केट जिस साइड भी करेगा तो उस साइड आपको 1:1 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो आप देखें तो ऑलमोस्ट गाइस यहां से अगर मैं यहां पे भैया देखिए, भैया 500 पॉइंट की रेंज है, यहां पे आपको 500 पॉइंट इजिली देखने को मिला। गाइस ये स्ट्रेटजी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आई होप गाइस आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर गाइस आप लोगों का प्रॉफिट हुआ है तो मुझे सीरियसली आप हमारी वीडियो को लाइक करिए। अगर गाइस सीरियसली आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कल के लिए हमें कौन से मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हमारे लेवल्स की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे जब तक कि मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती है। तो अगर मान लीजिए गाइस कल के लिए देखिए हम किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम को देख सकते हैं। अगर देखिए गाइस कल अगर यहाँ पे हमें जो लग रहा है वो मार्केट साइडवेज भी जा सकता है, जो कि मार्केट अभी इस रेंज के अंदर कल के दिन ट्रेवल कर सकता है। अगर हम कल की बात करें तो गाइस यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़े मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकते हैं, जब तक कि ये डाउन साइड की तरफ ये लेवल हमारा क्रॉस नहीं होता एंड अप साइड की तरफ ये लेवल हमारा क्रॉस नहीं होता, तब तक हमें एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी जा सकता है, बट लेकिन हम यहाँ पे लेवल्स को देख लेते हैं हमें किस लेवल पर कैसी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अगर गाइस मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होता है 33,300 के आसपास पे, तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग कर लेना है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से अगर हम देखें 15 मिनट की कैंडल स्ट्रांग बनती है तो गाइस 33,500 से लेके 33,600 तक के आपको इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जब तक कि यहाँ पे 33,600 का लेवल क्रॉस नहीं होता है अपसाइड की तरफ, तो आपको यहाँ पे एक क्लियर मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती है, ठीक है। अच्छा,
अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डाउनसाइड के लिए हमें कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ बात करूँ तो गाइस जब तक कि ये रेंज ब्रेक डाउन नहीं होता है 32,850 का लेवल डाउनसाइड की तरफ, तब तक आप यहाँ पे डाउनसाइड के मोमेंटम को अभी नहीं देख सकते हैं। जैसे ही ये लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा डाउनसाइड की तरफ, तो फिर आपको यहाँ पे 32,700 एंड फिर 32,500 तक के इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस इससे पहले आपको यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस को नहीं बनाने, क्योंकि गाइस यहाँ पे मार्केट आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता है। तो अगर आप चाहें तो गाइस कल का दिन यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जब तक कि मार्केट अपने इस रेंज को ब्रेकआउट वो नहीं करेगा अपसाइड की तरफ, या फिर इस रेंज को वो डाउनसाइड की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तब तक आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती है। तो चलिए गाइस अभी हम देख लेते हैं निफ्टी में हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जैसे गाइस अभी हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया एंड यहाँ पर देखते हैं हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गाइस अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक मार्केट ने रेंज बनाया हुआ था दो दिन से, तो यहाँ पे भी मार्केट ने अपने रेंज को वो ब्रेकआउट किया एंड फिर यहाँ पे एक आपको 1:1 तक का इजिली टारगेट देखने को मिला। अगर देखें तो हम यहाँ से गाइस यहाँ पे हमें 200 पॉइंट्स की रेंज दी है एंड 200 पॉइंट्स के हमें इजिली यहाँ पे टारगेट भी देखने को मिले। तो यहाँ पे गाइस आपको 1:1 का टारगेट इजिली देखने को मिल गया होगा। तो आई होप गाइस आपको ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। अगर गाइस आपको ये सिंपल सी स्ट्रेटजी अभी तक समझ में नहीं आई है तो आप लोग के अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं इस स्ट्रेटजी पर डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो 15,700 का लेवल है वो मार्केट अभी यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखना वही है, अगर वही लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर आपको 15,865 तक के इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड की तरफ, ठीक है। अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो फिर गाइस आपको यहाँ पे 16,000 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट ओपन होता है 15,650 के आसपास, तो आपको क्या करना है, जैसे ही गाइस भैया 15,700 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ पे इमिडिएटली बाइंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो आपको पहला जो टारगेट होगा 15,865 तक के आपको इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही भैया टारगेट अचीव होता है एंड उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे 16,000 तक के भी आपको टारगेट दिखा सकता है, तो गाइस आपको यहाँ पे एक बार अपने प्रॉफिट को बुकिंग कर लेना है। लेकिन जब आपको यहाँ पे जैसे ही मार्केट 15,865 के आसपास आए तो गाइस आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है, आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम जाएगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, तो आपको देखना वही है यहाँ पे मार्केट किस तरह से एक्ट करता है, तो आपको अपने प्रॉफिट को टाइमली बुक कर लेना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होता है 15,750 के आसपास, तो आपको क्या करना है गाइस, अगर मार्केट डाउनसाइड की तरफ आके इमीडिएटली यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर आपको आज की तरह मोमेंटम देखने को मिल सकती है। गाइस जैसे कि आज हुआ मार्केट गैप ओपन हुआ लेकिन इमीडिएटली नीचे आया एंड यहां पे सपोर्ट लिया मार्केट ने एंड फिर आपको यहां पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली, तो आपको सेम चार्ट पैटर्न कल भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में इस तरह का कुछ सिनेरियो दिखता है आपको। तो गाइस अभी यहां पे देख लेते हैं हम डाउनसाइड की तरफ हमें कहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। गाइस अगर मैं डाउनसाइड की तरफ बात करूं तो गाइस अभी जब तक कि मार्केट यहां पे 15,400 के नीचे ट्रैवल नहीं करता है तब तक हमें यहां पे डाउनसाइड की मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली हमें बुलिश दिखा रहा है, क्योंकि गाइस हमें मार्केट को फॉलो करना है एंड हमारे लेवल्स को भी फॉलो करना है, तो आपको गाइस इन लेवल्स को फॉलो करना है। अगर गाइस आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज पहले आप सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए जिसमें हम आपको बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की कॉल्स को प्रोवाइड करते हैं। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।